नमस्कार, स्पिरिचुअलिटी हेल्थ इनर वैल्यूज एकेडमी आपका स्वागत करता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी निमोनिक्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी लर्न अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ निमोनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्रोनिम्स की। एक्रोनिम अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम उसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी विबक्योर। विबक्योर हमने फर्स्ट अल्फाबेट पिक किया था सब रेनबो के कलर्स के नाम का, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें एक्रोनिम का तो वो होगा शिवा, जैसे स्पिरिचुअलिटी हेल्थ इनर वैल्यू एकेडमी, इसके लिए हम एक्रोनिम यूज़ करते हैं शिवा। और एक्रोनिम के अलावा जो दूसरी टेक्निक है, हमने पिछले वीडियो में भी उसकी बात की थी, उसे हम कहते हैं एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स मतलब हमें जो लर्न करने हैं वर्ड्स, हमने उनका फर्स्ट अल्फाबेट पिक किया और हमने एक सेंटेंस बना लिया। जैसे कि प्लैनेट्स के नाम अगर हमें उसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं तो हमने सेंटेंस बनाया माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ास। तो हमने फर्स्ट अल्फाबेट है माई, एम फॉर मर्करी, वेरी, वी फॉर वीनस। इस तरह से हमने फर्स्ट अल्फाबेट पिक किए प्लैनेट के नाम के और हमने एक सेंटेंस बना लिया। एक्रोस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए भी। मैं उसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें अगर स्पेलिंग लर्न करने हो बिकॉज के, बी ई सी ए यू एस ई, तो हमने इसका जो सेंटेंस बनाया वो है बिग एलिफेंट्स कैन अंडरस्टैंड स्मॉल एलिफेंट्स। तो हमने जो सेंटेंस बनाया है उस हर वर्ड का हम फर्स्ट अल्फाबेट पिक करेंगे तो बिकॉज बन जाएगा। हम ऐसे ही स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए एक और टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं चंकिंग मेथड, या आम भाषा में हम उसे ब्रेकिंग भी कह सकते हैं। हम जो भी स्पेलिंग लर्न करते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में और फिर लर्न करते हैं। से फॉर एग्जांपल लोटस, तो एल ओ टी यू एस, हमने ब्रेक किया स्पेलिंग को और फिर हमने स्पेलिंग्स लर्न किए। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चंकिंग मेथड, और आम भाषा में आप उसे ब्रेकअप भी बोल सकते हैं। हम स्पेलिंग्स लर्न करने के अलावा हम नंबर्स लर्न करने के लिए भी चंकिंग मेथड यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई कॉन्टैक्ट नंबर लर्न करना है 8 डिजिट्स का, तो मैं उसे ब्रेकअप करूँगी अपने लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज 2922 3662, मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया पूरे कॉन्टैक्ट नंबर को और फिर मैंने वो नंबर लर्न किया। मैं चाहूँ तो दो दो डिजिट्स भी कर सकती हूँ, जैसे 2922 3662, इस तरह करके भी लर्न कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ चंकिंग मेथड। नंबर्स को ही लर्न करने के लिए हम राइम्स भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ABCD वाला राइम भी डिस्कस किया था हमने। हमने 1 2 3 के बारे में भी बात की थी। और नंबर्स को ही लर्न करने के लिए राइम मेथड हम किस तरह से यूज़ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे 1 1 0 0 2 shoe 3 tree, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। 4 door, तो हमने 0 2 9 जितने भी डिजिट्स हैं उनके राइमिंग वर्ड्स देखे, जो नंबर हमें लर्न करना है हमने उससे रिलेट किया, और जो भी वर्ड्स बने उससे हमने चेन मेथड अप्लाई किया उसमें और कोई स्टोरी के रूप में उसको याद कर लिया। चेन मेथड का एग्जांपल धर्मेंद्र भाई जी का जो वीडियो है कंसंट्रेशन पे, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, मैं रिपीट करती हूँ उसको। आम, बागीचा, बालक, आसमान, पक्षी, बारिश, पानी, उन्होंने इससे एक स्टोरी बना दी थी। तो हम अपने जो भी हमें लर्न करने हैं डिजिट्स उनसे राइमिंग वर्ड्स ढूंढ कर एक स्टोरी बनाकर, जिसे हम चेन मेथड कहते हैं, वो स्टोरी लर्न करेंगे तो हम रिकॉल कर सकते हैं अपने डिजिट्स। और डिजिट्स को ही लर्न करने का एक और तरीका भी है जिसे हम कहते हैं इमेजरी मेथड या विजुअल मेथड। इस मेथड में जो डिजिट्स हमें लर्न करनी है हम उन्हें रिलेट करते हैं किसी इमेज से, जैसे कि 0
को हम रिलेट करेंगे एग से या बॉल से, वन को हम रिलेट करेंगे कैंडल से क्योंकि वो स्ट्रेट स्ट्रिक्ट है, टू हम लिखते हैं तो उसका टू को हम रिलेट करेंगे डक या स्वान की शेप से। इस तरह से जो डिजिट्स हैं हम उन्हें रिलेट करेंगे किसी इमेज से और वो सब इमेजेस अपने ब्रेन में रखकर हम चेन मेथड अप्लाई कर एक स्टोरी बना लेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आपको क्या याद करना है, आपकी क्या सराउंडिंग्स हैं, आपके पास क्या एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, उससे आप रिलेट करके अपना पर्सनलाइज्ड निमोनिक टेक्निक बना सकते हैं और अपने कंटेंट को इजीली लर्न कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल इन योर लाइफ एंड थैंक यू सो वेरी मच।